तुमने कभी ना कभी ऐसा सोचा तो होगा कि काश मेरे पास भी एक पेट होता। जानवर को पालना कौन पसंद नहीं करता, है ना? चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाँ कोई कोई तो अपना गलत फहमी भी पाल लेते हैं। बट आज का स्टोरी मिस बिल द ऑटर पे हमारा राइटर ना हालांकि नशा करके बैठा हुआ है। वो एक ऐसा जानवर पालता है जिसके बारे में ना ही तुमने कभी सुना होगा, ना ही देखा होगा और ना ही कभी देख पाओगे शायद, आई गेस। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते स्टोरी की शुरुआत। बट हाँ रुको रुको, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले राइटर का नाम मुझे तुम कमेंट सेक्शन पे बताओगे? जो बता रहे हो वो तो भाई ठीक है, जो नहीं बता रहे ना भाई तुम लोग मेरी तरह सिंगल ही मरोगे भाई। अब देख लो तुम्हें सिंगल रहना है या मतलब राइटर का नाम बताना है, इट्स योर चॉइस। तो इस कहानी का शुरुआत होता है हमारे राइटर के साथ जो स्कॉटलैंड के शहर कैमस्फेरनिया में अपना जिंदगी अपने कॉटेज के अंदर बहुत सही से बिता रहा होता है। बट एक दिन क्या होता है, अचानक से उसका डॉग जॉनी मर जाता है और इसके बाद उसके जिंदगी में सैडनेस भरा भरा आता है। तुम्हें पता होगा जब कोई गुजर जाता है अपना वेरी क्लोज टू यू, हाँ तो क्या होता है, यू जस्ट फील लोनली, राइट? तो हमारे राइटर के साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अभी अकेलापन जो उसे अंदर ही अंदर से खा रहा था, इसे खत्म करने के लिए डेफिनेटली उसे एक पेट तो चाहिए था। बट वो इनकार कर रहा था इस बात से कि मुझे डॉग नहीं चाहिए, ऑलरेडी एक डॉग था मेरा एंड आई एम वेरी क्लोज टू इट, अब दोबारा डॉग नहीं चाहिए कुछ और। तो इन 1956 को जब वो जा रहा होता है सदर्न इराक का एक शहर बसरा की ओर, तब वो अपने आप से डिसाइड करता है कि हाँ मुझे एक पेट तो चाहिए बट वो डॉग नहीं होगा, ये तो ठीक है मैं लूंगा एक ऑटर। अब ऑटर ही क्यों और ये ऑटर है क्या, पहले जानो ऑटर है क्या ताकि ये कहानी तुम्हें समझने में और आसानी हो। देखो ये ना एक सेमी एक्वेटिक मैमल है, ये क्या बोलूं तो सिंपल वर्ड में ऐसा जानवर जिसे पानी और जमीन दोनों में रहना पसंद है। तो हमारा ऑटर उसे भी पानी और जमीन दोनों में रहना ही पसंद है। तो जैसे मैंने बताया कि इसे पानी पसंद है तो ये रहता भी ऐसे दलदली इलाकों पे, और पता है ये जाना जाता है किस चीज के लिए, अपना जो बिहेवियर है वो मस्ती खोर वाला प्लेफुल वाला बिहेवियर है इसका। मतलब अगर तुम्हारे साथ रहे ना तो तुम्हें चिल करवा देगा, लाइक योर एक्स्ट्रोवर्ट दोस्त जो तुम्हारे साथ रहते हैं ना तो तुम मतलब हाई एनर्जी फील करते हो, यू कैन रिलेट दैट अगर तुम्हारा कोई है ऐसा फ्रेंड। तो ये तो बात रहा कि ऑटर था क्या, अब ऑटर ही क्यों, क्योंकि हमारा राइटर जहाँ रहता था ना स्कॉटलैंड में वो जगह भी चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ था। तो उसे लगा कि एक बेस्ट जगह भी है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते कोई नया चीज है, पालता हूँ मैं एक ऑटर। और ये अपना आइडिया को लेके अपने दोस्त के पास जिसके साथ वो सफर कर रहा था सदर्न इराक बसरा की ओर, उससे पूछता है कि भाई तुझे क्या लगता है मुझे एक ऑटर पालना चाहिए कि नहीं। तो उसका दोस्त बी लाइक ए रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड उसे कहता है कि हाँ भाई, और वो सजेस्ट भी करता है कि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे एक जगह है टिग्रिस मार्श, वहाँ पे तुझे ऑटर मिल ही जाएगा क्योंकि वहाँ ना अरब लोग ये ऑटर्स को डोमेस्टिकेट भी करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा है तो वो एक उठा लेना वहाँ से। अब इसी बात के साथ वो निकल पड़ते अपने सफर के लिए। जैसे कि मैंने बताया वो जा रहे थे सदर्न इराक का एक शहर बसरा के ओर क्योंकि उन्हें वहाँ जाना था कॉन्सुलेट जनरल पे, जहाँ उस मैसेजेस जो कि यूरोप से आया गया उसे कलेक्ट करना था एंड उसका जवाब भी देना था। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ ये समय चल रहा है ना 1956 का, उस समय ना ही इंटरनेट हुआ करता था और ना ही हुआ करता था कोई जीमेल, तो जो भी होता था वो फिजिकली जाके करना होता था। तो दोनों भाई हमारा राइटर उसका दोस्त इराक का शहर बशरा में वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल पे जाके वो मैसेज को कलेक्ट कर रहा था, उसका जवाब दे रहा था जो भी यूरोप से आ रहा था। राइटर का जो दोस्त था उसका मैसेज आ चुका था बट हमारे राइटर का मैसेज अब तक आया नहीं था। तो वो क्या करता है, लंदन पे एक टेलीग्राम जो कि उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, आज वाला टेलीग्राम नहीं जहाँ से हम गलत गलत चीज़ें डाउनलोड करते, नहीं वो नहीं, ये अलग तरीके का लैंडलाइन वाला होता है, वहाँ से एक मैसेज किया इंग्लैंड पे कि ऐसा ऐसा सीन है मेरा लेटर तो आया नहीं अभी तक, 3 दिन इंतजार किया बट उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स जब नहीं आया तो उसने एक कॉल करने का सोचा। बट उस समय ना सीन कुछ ऐसा था ना कि अगर तुम्हें कॉल भी करना है ना तो पहले एक दिन पहले यानी कि 24 घंटा पहले तुम्हें बुकिंग करना होगा, जो कि उसने किया भी 24 घंटा पहले बुकिंग एंड देन पहला कॉल, अनफॉर्चुनेटली पहला कॉल लगता नहीं है एंड देन दूसरे दिन वो फिर से ट्राई करता है बट दूसरे दिन भी एक रिलीजियस हॉलीडे होने के कारण ऑफिस बंद होता है और कॉल हो नहीं पाता है एंड तीसरे दिन फिर से उसने ट्राई किया बट अनफॉर्चुनेटली तीसरे दिन भी कॉल नहीं लग पाता है। और इसी चक्करों में उसका दोस्त कहता है कि भाई मेरा समय हो गया मुझे चलना पड़ेगा, और उसके साथ एक वादा करता है कि हाँ अगले वीकेंड पे मिलते हैं एंजॉय करेंगे एंड इसी के साथ उसका दोस्त चला जाता है और वो वहीं पे रह जाता है। लगभग 5 दिनों बाद उसका लेटर भी आ जाता है जिसे लेके वो खुशी खुशी अपने घर जाता है बेड पे पढ़ने के लिए कि लेटर पे है क्या। अब उसी समय वो घर पे जब एंटर कर रहा होता है देखते हैं कि 2 अरब लोग बैठे हुए और साथ में बगल में एक बोरा है जो कि हिल डुल रहा है। जैसे वो पास जाता है उसमें से एक अरब एक लेटर देता है हमारे राइटर को जहाँ लिखा हुआ था कि हियर इज योर ऑटर,
जिसका मतलब यह था कि इस बस्ती के अंदर कुछ तो था। वो क्या ऑर्डर था जो कि उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था, राइट। तो जैसे ही उसने उस बस्ती को खोला, वहां से निकला एक नन्ना प्यारा ऑटर। और कहते हैं ना कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई नया आता है तो जिंदगी एक नया फेज शुरू होता है, जहां तुम इंजॉय करने लगते हो हर चीज को, मतलब फील करने लगते हो, तुम्हें अच्छा लगता है। अब हमारे राइटर की जिंदगी में वो फेज आता है जो वो फिर से एक मतलब हैप्पी लाइफ जीने वाला था। एक लिटरली प्यारा सा नन्ना सा क्रीचर जो कि एक छोटा सा डायनासोर जैसा लग रहा था। पूरा बदन सर से लेके पूंछ तक कीचड़ यानी कि मड से गीला हुआ था। और मतलब दूर से तो वो ऐसा दिख रहा था ना जैसा तिल होता है ना, चॉकलेट ब्राउनी कलर का मोल, बिल्कुल वो ऐसा ही दिख रहा था। वो अपने आप को झटकाता है, थोड़ा मोड़ा कीचर जमीन पे गिर जाता है, बट इतने आसानी से वो कीचर साफ नहीं होता। लगभग पूरा वो कीचर उसके बदन से साफ करने में लग जाता है एक महीने के आसपास, तब जाके उस ऑटर का असली रंग दिख पाता हमारे भाई को। अब हमारे भाई ने उस ऑटर का एक नाम रखा, मिसविल। आगे से हम इसे यही नाम से बुलाएंगे। अब देखो एक चीज है, जब हमारे भाई ने ये पेट को अडॉप्ट किया ना, इससे पहले तक ये कौन सा स्पीसीज है साइंटिस्ट को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो बाद में जाके जब पता चला तो साइंटिस्टों ने ना उसका नाम भी हमारे राइटर के नाम के आगे ही चिपका दिया। लाइक देखो हमारे राइटर का नाम था गैविन मैक्सवेल, तो इस ऑटर का जो स्पीसीज होगा उसका नाम भी दिया मैक्सवेल्स ऑटर। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, स्टोरी में वापस आते हैं। तो एक पेट को अपने घर तो लाया था। अब जब भी तुम किसी के घर नए नए जाते हो, सबसे मुश्किल समय तब शुरू होता है। पहला दिन तुम कैसे बिताते हो, एक अनजान कोई भी है उसके साथ तुम अपना पहला दिन कैसे बिताते हो, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट आई गेस। हाँ, तो हमारे ये नन्ना सा जानवर जिसका नाम मिसविल था, वो अब अपना पहला दिन यानी पहला 24 घंटा कैसे बिताता है। तो पहला 24 घंटा ना ही वो ज्यादा फ्रेंडली था और ना ही वो ज्यादा एग्रेसिव था। सिंपली वो लोगों से, हमारे राइटर से दूरियां बना के रख रहा था, और सोते वक्त भी वो जमीन पे सोता है और जितना हो सके हमारे राइटर के बेड से दूर पे जाके सोता है, क्योंकि वो पसंद नहीं आ रहा था उसे कुछ भी, ठीक है। बट अगले रात चीजें बदलता है। जो प्यारा सा नन्ना सा मिसविल डर रहा था, अब वो जाके हमारे भाई के बेड पे जाके चढ़ता है एंड उसके पैरों के टांगों के बीच पे जाके सो जाता है। कितना प्यारा है ना, जब जानवर पता चल जाता है कि तुम ऐसा ही इंसान हो तो उन्हें सबसे पहले पता होता है ये चीज, और वो भापने के साथ साथ वो तुम्हारे अटैच हो जाते हैं तुम्हारे साथ। हाँ सही है। अब अगले सुबह हमारा प्यारा सा मिसविल आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और इंटरेस्ट ले रहा होता है, चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और हमारा भाई मैक्सवेल यानी कि राइटर उसके लिए एक पट्टा लेके आता है, गले पे बांध देता है प्यारा सा, और उसे सीधा लेके जाता है बाथरूम पे। अब बाथरूम पे नहाने, क्योंकि हाँ उसे पानी पसंद है, कुछ गलत नहीं लेने का। हाँ बाथरूम में नहाने जाते हैं लोग। ओके, तुम्हें पता है कि मिसविल को पानी कितना पसंद है, तो सीधा वो दौड़ता है बाथटब पे एनो वहाँ पे उछल कूद करने लगता है, अपने आप को अलट पलट कर रहा होता है बाथटब का पानी के ऊपर नीचे, मतलब जो चीजें कर सकता था जितना पागलपन थी वो कर सकता था उतना कर रहा है। एंड बिल्कुल वो ऐसा बिहेव कर रहा था लाइक वो एक हिप्पो, क्योंकि पानी को देख के हिप्पो भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, ठीक है। अब हमारा राइटर ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे एक बात पता चलता है ऑटर्स के बारे में कि उनका बिहेवियर किस तरीके का है। यानी कि मतलब देखो, उन्हें ना पानी एक जगह में शांत दिखना पसंद नहीं है। अब हम बचपन में कैसे थे, कहीं अगर कीचड़ होता था ना तो मैं क्या करता था, अपने स्कूल वाला जूता को लेके वहीं पे थपक थपक, और पूरा कीचड़ से अपना पैर भी गंदा कर लेता था, कपड़ा भी गंदा कर लेता था, बट हाँ मजा जरूर आता था। बिल्कुल ऐसे हमारा मिसविल पानी का एक एक बूंद एक एक कतरे को इधर उधर फैलाना, जो भी मतलब बिखरना उसे पसंद था। अगर कोई बर्तन पे पानी रखा हुआ है तो उसका आइडिया ये था कि इस बर्तन को पलट दो, पानी को गिरा दो, और अगर पलट नहीं सकते तो चुपचाप जाके उसके ऊपर बैठ जाओ और पानी को गिरा दो बर्तन से। हाँ मतलब उसके दिमाग में सिंपल सा बात यह था कि पानी हिलता दुलता रहना चाहिए, मतलब अगर शांत है पानी तो ये पानी बेकार है, और ये उससे गुस्सा भी दिलाता था, ठीक है। अब ऐसे चल रहा था, फिर दो दिन बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा राइटर रूम पे एंटर करता है यानी कि बेडरूम पे एंटर करता है, चुपके से दरवाजे के नीचे से मिसविल भाग जाता है एंड भाग के वो आ जाता है सीधा दौड़ते दौड़ते बाथरूम पे। अगेन क्यों आता होगा तुम तो समझ ही हो, नहाने हमारी तरह नहीं, बेशर्मों की तरह, मतलब ठीक है हम भी नहाने जाते हैं कभी कभी, मतलब ओके फाइन। बाथरूम में आता है वो एंड बाथटब पे बैठता है एंड पास में एक टैब होता है, वो कोशिश करता है उस टैब को खोलने का एंड विद इन ए मिनट वो उस टैब को खोल भी लेता है। और वो गिरता हुआ दौड़ता हुआ रनिंग वाटर को देख के वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, खिलखिला रहा था, झूम रहा था। बट ना हमेशा इतना लकी नहीं था वो, इससे पहले भी कई बार उसने कोशिश किया था बट वो गलत डायरेक्शन पे घुमा रहा था जिस वजह से पानी आता नहीं था, गिरता नहीं था, और वो इस चीज़ से इरिटेट हो जाता था। बट इस बार वो लकी था जिस वजह से उसने उस टैब को सही डायरेक्शन पे घुमाया और पानी को गिराया। अब धीरे धीरे मैक्सवेल यानी हमारा राइटर और उसका पेट मिसविल के बीच एक बॉन्डिंग जो होता है ओनर एंड पेट का, वो स्ट्रांग हो रहा था। अब अगर हमारा राइटर भाई एक बार पुकार देना मिसविल को, वो दौड़े दौड़े उसके पास चला आता था। मतलब तुम सिंपली समझ रहे हो, एक प्रॉपर अब रिलेशन होने वाला था पेट एंड ओनर के बीच, जो भी एक है प्यारा सा रिलेशन होता है, आगे पीछे घूमता है पेट अपने ओनर का, ऐसे कुछ अब होने वाला था।
अब इन सारी चीजों के अलावा हमारा प्यारा मिस बिल अपना ज्यादातर समय बिताता था खेलने में। खेलना उसे बहुत पसंद था, मैंने बताया, बहुत ही जॉयफुल मैमल है ये, ठीक है, यानी कि एनिमल है, तो जो भी कहना कह सकते हो। वो ना घंटों घंटों तक, इसके पास एक रबर बॉल था, उससे वो इधर उधर लात मारते फिरता था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक चार पैरों वाला फुटबॉलर हो। समझ रहे हो, फुटबॉलर दो पैरों वाला होता है, बट वो चार पैरों वाला फुटबॉलर है, जहाँ बुक पे कहा गया है 4 feet सॉकर प्लेयर, वही बात है, ठीक है। अब इसके अलावा उसका गर्दन नेक इतना स्ट्रांग था ना, वो बॉल को बड़े बड़े हाइट तक, बड़े बड़े डिस्टेंस तक फेंक सकता था। बट इन सब के अलावा उसका सबसे फेवरेट गेम था अपने पीठ के बल लेट जाओ एंड कुछ चीज को लेके जगलिंग, मतलब सर्कस पे देखते हो ना, बॉल को 3-4 बॉल जोकर लोग लेके ऊपर ऊपर करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे वो क्या करता था, मार्बल के साथ पीठ के बल लेट गया एंड मार्बल्स को अपने हाथ और पेट पे लेके ऊपर नीचे करते रहता था बिना एक मार्बल को जमीन पे गिराए। सरप्राइजिंग राइट। अब ऐसे ही शांति से समय बीत रहा था बसरा के अंदर पे, बट अब राइटर के दिमाग पे एक थॉट उसे सोचने पे ही मजबूर कर रहा था। याद तो सही है, चिल है, बट मैं मेरा इस पेट को, तब मेरे मिस बिल को कैसे अपने घर यानी कि इंग्लैंड या फिर तुम कह लो स्कॉटलैंड पे कैसे लेके जाओ। उसने बहुत खोज खबर किया और पता किया कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है जो लंदन तक फ्लाइट इराक से जाता है, उन्होंने मना कर दिया कि हम एनिमल के साथ आपको जाने नहीं देंगे, ट्रैवल करने नहीं देंगे। तो उसने एक दूसरा एयरलाइन बुक किया जो कि तुम्हें पहले इराक से पेरिस यानी कि फ्रांस लेके जाएगा एंड देन तुम पेरिस से फिर जाओगे इंग्लैंड यानी कि लंदन जाओगे। बट उस एयरलाइन का भी कंडीशन था कि आप अपने जानवर को एक बक्से पे लाओगे और उस बक्से का हाइट 18 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो आप अपने पैर के नीचे कैरी करोगे, यही कंडीशन था। तो जल्दबाजी में उसने एक बॉक्स बनाया एंड हमारे मिस बिल को उस बॉक्स के अंदर पर रख के वो एक छोटा सा शॉर्ट मील लेने के लिए, खाना लेने के लिए चला गया। बट वो जब वापस लौटता है वो शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। वो बॉक्स एकदम शांत था, कुछ हिल डुल नहीं रहा था, जबकि उस बॉक्स के अंदर भी मिस बिल था, हिलना डुलना तो चाहिए था बट कुछ आवाज नहीं आ रहा था, बल्कि कोने कोने से उस बॉक्स के बाहर खून टपक रहा था। हमारा भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस बॉक्स का ढक्कन को यानी लिड को खोलता है और देखता है कि बॉक्स के अंदर पे हमारा नन्ना प्यारा मिस बिल थका खून से लथपथ भरा हुआ है। जैसे ही वो राइटर को देखता है छलांग मार के उसके पैर पे आता है और बहुत ही एक क्यूट रोंदू सा चेहरा बना के, यू नो, तुम देखते हो जब तुम्हारा कोई प्यारा तुम्हारे सामने आता है तुम उसके सामने कैसा प्रिटेंड करते हो, ऐसे कुछ प्रिटेंड कर रहा होता है। अब उसके बाद हमारा भाई उस बॉक्स को देखता है और जहाँ जहाँ भी टूटे फूटे शार्प एजेस थे ना उसे काट फूट के निकाल देता है और ना चाहते हुए भी मिस बिल को उस बॉक्स पे दोबारा रखना होता है क्योंकि जो फ्लाइट से वो जाने वाले थे पेरिस वो बस 10 मिनट में निकलने वाला था और उन्हें अभी भी 5 miles का डिस्टेंस अपने घर से एयरपोर्ट तक का कवर करना था। तो उसने बस ना चाहते हुए सैडली उस बॉक्स के अंदर पे मिस बिल को रखा और जाके कार पे बैठ गया और ड्राइवर ने जो गाड़ी चलाया भाई, कुदाया, चलाया नहीं मैं कहूँगा कुदाया, इधर उधर से 10 मिनट से पहले पहले ही उन्हें पहुँचा दिया एयरपोर्ट तक। और लकीली एयरक्राफ्ट भी उनका इंतजार कर रहा था, देर तो हो रहा था बट वो लकीली पहुँच गए थे टाइम पे। बट तुम्हें पता लेट होता है तो क्या होता है, एयरपोर्ट के ऑफिसर्स गुस्सा था उनके ऊपर कि क्या है टाइम पे आना चाहिए, बट वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अंदर जाता है एंड उनका सीट सबसे आगे ही में होता है फ्रंट एरिया पे, तो जाके शांत बैठ जाते हैं, अपना पैर के नीचे एक न्यूज़पेपर लगाते हैं एंड एक जगह बनाता है ताकि वो मिस बिल का बॉक्स को रख सके एंड हाथ पे एक मछली था जो कि सामने खड़े हुए एयर होस्टेस को देता है कि इसे एक ठंडी जगह पे रख दीजिए एंड उसे पूरा सीन बताता है कि क्या हुआ उसके साथ आखिरी आधे घंटे पे, कि कैसे वो खाना खाने के लिए गया था एक बॉक्स बना के एंड देन जब आके देखता है कि उस बॉक्स का हालत ख़राब है, खून निकल रहा है एंड हमारे प्यारे मिस बिल का भी हालत ख़राब है, बट फिर भी लेट भी हो रहा था, दौड़े दौड़े हम पहुँच गए एंड एवरीथिंग वॉज ओके नाउ। अब ये सारी चीज़ सुनकर वो प्यारी सी क्यूट एयर होस्टेस उसे कहती है कि अब चाहो तो अपना पेट को नीचे नहीं रख के अपने घुटने पे, मतलब अपने पैर के सामने अपने पास रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब ये बात कहते ही ना, मतलब हमारा भाई मतलब उस एयर होस्टेस पे लट्टू हो गया, और हो भी क्यों ना, मतलब अब क्यूट है इतनी, काइंड है इतनी, मतलब और क्या ही चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ ना एक एयर होस्टेस तो मैं भी डिजर्व करता हूँ भाई, तुम बताओ नहीं करता क्या, बट घर से बाहर नहीं निकलता तो आसमान वाली को कैसे पकड़ूंगा। खैर फोकस टू द टॉपिक, ओके ओके, दिल तो हमारे भाई का कर रहा था कि उस एयर होस्टेस को किस कर ले हाथ पे, बट अब ठीक है। बीच देखता है कि बॉक्स में हमारा मिस बिल है नहीं, चलता हुआ एरोप्लेन के अंदर मिस बिल बॉक्स से गायब था, कहीं एरोप्लेन के अंदर छुप चुका था, भाग चुका था, और ऑल ऑफ द सडन पीछे से एरोप्लेन की एक आवाज आता है, लोग चिल्लाने लगता है, एक औरत तो अपने सीट के ऊपर उठ जाती है और चिल्लाने लगती है कि चूहा 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 एंड जैसे मुड़ के देखता हमारा भाई एक इंडियन
जो सर पे पगड़ी पहने हुए पाजी था उसके पैर के नीचे मिस बिल का पूंजी दिखता है एंड वो सोचता है कि झपटा मार के पकड़ लेता हूँ मिस बिल को, बट वो झपटा तो मारता है बट हाथ पे मिस बिल नहीं आता है, मुंह पे करी सब्जी अलग गिर जाता है, बेइज्जती हो गया। अब ये सारी चीजें देख के वो एयर होस्टेस जो कि क्यूट प्यारी जो भी ठीक है, वो कहती है स्माइल देते हुए कि आप इधर बैठो, मैं जाके आपके लिए आपके पेट को ढूंढ के आपके पास लेके आता हूँ, अब शांत रहो, रिलैक्स रहो। अभी बात सुन के वो रिलैक्स हो जाता है एंड थोड़ी देर में वो देखता है कि उसका पेट खुद ब खुद यानी कि मिस बिल खुद ब खुद थक हार के अपने मालिक के पास, अपने प्यारे मालिक के पास, हाँ तुम ये कह सकते हो, पैर के नीचे आ जाता है एंड देन सफर आगे चल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक महीना बाद का, जहाँ हमारा राइटर और हमारा मिस बिल एक साथ लंदन पे उसका फ्लैट पे रह रहा था खुशी खुशी। हमारा मिस बिल मोस्ट ऑफ द टाइम खेलने में बिताता था अपने टॉयज के साथ, पिंग पोंग बॉल सुना होगा तुमने उसके साथ, मार्बल्स के बारे में तो तुम्हें पता ही है एंड रबर फ्रूट्स, इन सब के साथ वो खेलता है। उसने नए से करते करते एक नया गेम इन्वेंट कर दिया या फिर तुम कह सकते हो डिस्कवर कर दिया। अब यहाँ पे उसे दो चीज चाहिए होता था, एक पिंग पोंग बॉल और दूसरा एक पुराना सा सूटकेस जो कि हमारा राइटर जब इराक से आ रहा था ना तो डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे एक स्लोप बन जाता है, यानी कि एक साइड जो ऊपर है एक साइड जो नीचे, ऐसा कोई स्लोप बन जाता है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके उसने एक नया गेम इन्वेंट कर दिया, तो जो अपर साइड है ना स्लोप का, यहाँ पे जाके तुम इस बॉल को पहले रख दोगे एंड देन दौड़ दौड़ के वो जो डाउन साइड है लोअर साइड है वहां आ जाएगा, छुप जाएगा, आने का इंतजार करेगा और जैसे वो बॉल आ जाएगा उसे झपेट लेगा एंड देन दोबारा उसे लेके जाके ऊपर रख देगा एंड ये चीज वो दोबारा बार 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 करते रहेगा। अब ये तो बात रहा कि वो घर के अंदर क्या करता है, घर के बाहर देखो जिसे डॉग को हम लेके जाते हैं ना टहलाने के लिए, उसे भी लेके जाया जाता था जब भी टहलाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो वो लंदन के सड़कों पे घूमते घूमते कुछ हैबिट डेवलप कर लेता है, जिसे अंग्रेजी में किताब के अंदर भी कहा गया कंपल्सिव हैबिट्स। अब ये मतलब ऐसा है सिंपली वो हैबिट जो तुम कंट्रोल पे नहीं रख सकते अपना, लाइक तुम बताओ तुम्हारा ऐसा कौन सा हैबिट है जो तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है। तो जैसे जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, चाहे स्कूल जा रहे हो आ रहे हो, तुमने भी ऐसा कभी ना कभी किया होगा रास्ते में आते जाते वक्त। देखो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता बट यूरोप के एरियाज पे सड़कों पे ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है जगह जगह पे, सड़कों के बीच कोने पे स्ट्रीट पे, जिसे पेविंग ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारा मिस बिल ना इस पेविंग ब्लॉक्स के सेंटर पे कुत्ते कुत्ते छलांग मारते मारते जा रहा था, ठीक है। अब इसके अलावा सड़कों पे देखो आयरन रेलिंग्स होता है, वो क्या करता है हर सातवें आयरन रेलिंग को टच करते हुए जाता है एंड आखिरी चीज सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट होता है लैम्प लाइट, उसे भी छूते छूते पास करते करते इधर उधर से दौड़ते दौड़ते जाता है। ये उसने उसका हैबिट बना लिया था जो उसके कंट्रोल पे नहीं था, बस हो जाता था उससे। अब इसके अलावा जब भी वो वापस घर आ रहा होता है, देखो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे किताब में मेंशन करा गया था कि जब वो वापस घर आ रहा होता है जाते वक्त में क्या, उसका जो घर होता ना उसके ऑपोजिट पे एक प्राइमरी स्कूल था जो कि सराउंडेड था एक 2 फीट का वॉल से। तो जब भी वो घर आ रहा होता ना तो इस वॉल पे कूदता है एंड दौड़ा दौड़ी करने लगता है, और क्योंकि पट्टा बंधा होता है तो हमारा राइटर भी उसके साथ ही दौड़ रहा होता है। बट ये चीजों को देख के ना स्कूल के अंदर के बच्चे हो गए, स्टाफ्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हो गए भी क्यों नहीं है ना, मतलब अगर तुम मुझसे पूछो मैं तो कभी कभी ना फ्रंट बेंच पे बैठ के भी क्लास के बाहर क्या हो रहा होता है वो देखता था एंड देन टीचर जब भी मुझे नोटिस करती थी तो फिर अलग ही सीन होता था, तो मजबूरन इस वजह से मुझे पीछे बैठना पड़ा, मेरा बहुत गंदा आदत है लिटरली बता रहा हूँ। क्लास में ध्यान नहीं होता, क्लास के बाहर क्या हो रहा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान होता था, ठीक है। तो यहाँ में भी बच्चों को टीचर्स को एंड जो भी स्टाफ्स थे उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था क्योंकि एक नन्ना सा प्यारा सा जानवर उनके स्कूल के बाहर दीवार पे दौड़ा दौड़ी कर रहा था, वो भी लाइक क्या है क्या है क्या है। अब लगभग हमारा स्टोरी खत्म होने के कगार पे है, तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगता है तो तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। स्टोरी पे वापस आते हैं, अब आखिरी पोर्शन पे हमारा राइटर मैक्सवेल ये सोच रहा होता है ना कि उसके लिए ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि लंदन के ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि ऑटर क्या है क्या नहीं है, ठीक है कौन सा जानवर है, बट सबसे सरप्राइजिंग बात उसके लिए यही होता है कि लोग जो गैस करते हैं ना मतलब अंधाधुन कुछ भी गैस कर लेते हैं। अब हमारा जो ऑटर है ना ये एक ग्रुप ऑफ एनिमल की कैटेगरी से आता है जिसे कहते हैं मस्टलाइन। अब इस कैटेगरी के अंदर पे अलग अलग जानवर बिल्कुल उसके तरह ही दिखते हैं, थोड़ा मोटा डिफरेंस होता है, ठीक है, लाइक बैजर, मंगूस, विजल, स्टोट एंड मिंक। अगर तुम देखो इन सारे जानवरों को तो इनका जो फिजिकल पैटर्न है देखने पे थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही है, सब अलग अलग है, बट हाँ उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, लाइक देखो एक कैट कैटेगरी होता है ना एनिमल्स का जहाँ पे टाइगर लेपर्ड सारी चीजें अलग अलग जो जानवर होता है वो आ जाता है, बिल्कुल ऐसा इनका एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं मस्टलाइन, जिसके अंदर पे सारे एनिमल जो भी है वो गिरते हैं। तो लोग ना ऑटर के अलावा सारे जो इस कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स है उन सबका नाम ले लेते हैं, क्या ये वो है, क्या ये मंगूस है, वो है, मतलब
कुछ भी, और सारी चीजों को देख के हमारा राइटर भी लाइक, अबे यार इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। फिर भी चलो ये तो मतलब एक अच्छा खासा गैस था, एटलीस्ट कैटेगरी पे तो है। कुछ लोग तो हद से ऊपर जाके गैस करते थे, कुछ रैंडम गैस लाइक, कुछ लोगों को तो लगता था कि एक बेबी सील है, कुछ लोगों को लगता था स्क्वायरल है, कुछ लोगों को लगता था हिप्पो है, लेपर्ड है, भालू का बच्चा है, और कुछ लोगों को तो ये एक डायनासोर की स्पीसीज है जिसका नाम ब्रोंटोसोर है, वो भी लगता था। मतलब ठीक है, क्या ये सही में डायनासोर दिख रहा है, ठीक है। बट इन सब में ना सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे राइटर को लगता है एक लंदन के सर्कल पे काम करता हुआ एक वर्कर होता है, वो जो कहता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था वो डायनासोर वाला सीन, ठीक है, बट भाई के लिए कुछ और है तो क्या है वो देखो। तो ऐसे ही हमारा भाई लंदन के सर्कल पे वॉक करा रहा होता है हमारे ऑटर को, तभी एक वर्कर जो कि सड़कों पे काम कर रहा होता है वो देखता है, और देख के ना सबसे पहला रिएक्शन उसका ये होता है, अपना काम को रोकता है, कमर पे हाथ डालता है एंड घूरना शुरू कर देता है। ही वाज लाइक ओके ये क्या है, वो हमारे राइटर और ऑटर को ऐसे घूर रहा होता है ना कि क्या है ये, एम आई फूल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है इस वजह से। तो जैसे वो पास से गुजर रहा होता है वो वर्कर उन्हें रुकाता है और पूछता है ये क्या है, व्हाट इज सपोज टू बी। तो यार स्टोरी हो चुका है खत्म। बेसिकली स्टोरी में तुम्हें बताया गया है कि जो एक पेट को लेके हम लोगों का प्यार, अफेक्शन, लव जो भी होता है ना, वो सारी चीजों को दिखाया गया है। कैसे एक डॉग मरने के बाद एक अकेलापन जाने लग गया हमारे राइटर को, एंड उस अकेलापन को दूर करने के लिए जब वो इराक जा रहा था तो उसने एक ऑटर को उठा के लेके आया, एंड उसके साथ काफी सारे स्वीट मेमोरीज बनाया, एंड वो ऑटर भी कोई आम जानवर तो था नहीं, डॉग से भी ज्यादा एंटरटेनिंग था लिटरली। कई सारे वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, लाइक बहुत स्मार्ट होते हैं ऑटर, ठीक है, लाइक खेलने का जो तरीका होता है एंड अलग अलग जो चीज़ है वो देख के पता चलता है कि भाई ये बहुत ही स्मार्ट बंदा है, बहुत स्मार्ट जानवर है। तो यही था जो स्ट्रगल थोड़ा मोड़ झेलना पड़ा ऑटर को लेके हमारे राइटर को, जैसे एरोप्लेन से आने नहीं दिया जा रहा था, समहाउ थोड़ा स्ट्रगल करके मैनेज करके उसे आने मिल गया, एंड उसी बीच एक एयर होस्टेस से मुलाकात होता है जो कि बहुत ही सही थी। एंड आने के बाद लंदन के सड़कों पे एंड घर के अंदर भी उसने कुछ हैबिट डेवलप किया खेलने का, कूदने का, एंड सबसे फनी वाला था वो स्कूल वाला, ठीक है। देन लोग क्या गेस करते हैं उसके पेट को लेके, क्या है ये नहीं है। तो यही था, आई होप कि तुम लोग समझ गए हो, अगर समझ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अगेन लाइक कर देना, कमेंट कर लेना, और एक नया चैनल भी है द सिबलिंग्स के नाम से, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।